यदि स्टूडेंट ध्यान दें, क्लास 11th के बच्चे सब्जेक्ट बायोलॉजी जीव विज्ञान हिंदी मीडियम क्लासेस चैप्टर 2 आपके हैं क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम, जिसे जीव जगत का वर्गीकरण कहते हैं। आप लोगों को जीव जगत वर्गीकरण में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाया गया। पार्ट 1 के अंतर्गत इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 के अंतर्गत मोनेरा और प्रोटिस्टा बताया गया। आज आप लोग का पार्ट 3 है, टॉपिक है फंजाई, जिसे कॉक कहते हैं। ये कॉक जगत, आप जानते हैं कि कॉक एक परकोशी सूक्ष्म जीव है, जिसका विशेष लक्षण होता है ये मृतोप जीवी तथा परकोशी जीव होते हैं। कवक एक ऐसा जीव है, सूक्ष्म जीव है, जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स, कार्बनिक पदार्थों, सड़े गले स्थानों पर ये काफी मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मीन्स पर जीवी, सेप्रोफाइट मीन्स मृतो जीवी। कुछ सहजीवी भी पाए जाते हैं, सिम्बियोसिस, जिसे सहजीवी। देखिए, जो पैरासाइट होते हैं, परपोषी जो जीव होते हैं, वो जन्म तथा पादप प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। एनसीईआरटी पर आधारित आप लोगों को ये परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी बताया जा रहा है। तो जन्म तथा पौधे के ये ऊपर पाए जाते हैं, जिसे हम परजीवी कहते हैं। जैसे प्लांटों में आपने देखा होगा गेहूं, गेहूं जिसे हम व्हीट कहते हैं, कभी कभी गेहूं की जो ग्रेन होते हैं, जो दाने होते हैं, सीड होते हैं, उनके ऊपर और पत्तियों पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, काले धब्बे दिखाई देते हैं। ये काले धब्बे कवक के कारण दिखाई देते हैं, जिसे हम कीटक रोग कहते हैं। कीटक रोग कहते हैं। ये कीटक रोग किसके कारण होता है, कौन सा कवक है, पक्सिनिया ग्रेमनिस, पक्सिनिया ग्रेमनिस नामक कवक के कारण ये काले पड़ जाते हैं, जो हमें गेहूं का जो सीड्स होता है, बीज होता है, लीक होता है, इनको खराब कर देते हैं, जिससे प्रोडक्शन में काफी कमी आ रही है।
इस प्रकार से कुछ जंतुओं के ऊपर कौ आ जाते हैं, जिससे उनको भी ये हानि पहुंचा देते हैं। आगे है आपका मृतोपजीवी, जो सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कोई कार्बनिक पदार्थ, कोई चमड़े का पदार्थ हुआ, आपका अचार हुआ, उस पर आप देखते होंगे कि सफेद सफेद व्हाइट कलर के पतले पतले धागे नुमा आ जाते हैं, जो खाने वाली वस्तु है उसको खराब कर देते हैं। ये रोटी है, अचार है, मुरब्बा है इत्यादि पर कुछ कवक उग करके और खाने वाले वस्तुओं को खराब कर देते हैं। यही कारण है कि हम खाने वाले वस्तु जो होते हैं उनको अपने रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख देते हैं, जिससे बैक्टीरिया तथा इन कवकों से हम क्या पा सके, निदान पा सके, इससे हम छुटकारा पा सके। इस तरीके से मृतोपजीवी हो जाते हैं। सहजीवी देखिए, लाइकेन के मूल पर कुछ कवक सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जो उनको पोषक तत्व प्रदान करते हैं और स्वयं उस पर रहते हैं, इसलिए इनको सहजीवी में भी रखा गया। लेकिन ये सहजीवी कम मात्रा में होते हैं, अधिकतर किसमें होते हैं, ये मृतोपजीवी और परजीवी। आइए हम आगे देखते हैं। कवक के बारे में ही देख लेते हैं कि कवकों में जो फिलामेंट में कवकों में फिलामेंट पाए जाते हैं, तंतुमय, जैसे सूत्रवत धागेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। ये जो कवक होता है, इसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ता, ये किसका बना होता है, काइटिन का बना। तो सेल वॉल कवक का काइटिन का बना होता है। कुछ फंजाई का उपयोग, कवकों का उपयोग हम सिरका बनाने में करते हैं, बियर बनाने में करते हैं, इस प्रकार से इनका उपयोग भी होता है। कभी कभी देखा होगा सरसों की पत्तियां जो होती हैं, सरसों की पत्तियों पर ये सफेद धारी जैसे संरचना में आ जाते हैं। ये फंजाई के कारण सफेद जैसी संरचना मस्टर्ड, सरसों की लीव में पाई जाती है। किसके कारण हुआ, कवक के कारण। तो ये कवकों पर, कवक जो स्वस्थ पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं, जो सजीव हैं, उस पर ये अपना रोग फैला देते हैं। और इनके तमाम कारण हैं कवक के, जैसे आपने देखा होगा कि सभी प्राणियों में रिप्रोडक्शन चलता है, तो रिप्रोडक्शन कवक में रिप्रोडक्शन कई विधियों द्वारा, जैसे बीजी टेपिंग,
प्रोडक्शन। दूसरी विधि है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत, कायिक जनन के अंतर्गत कॉक जो है खंडन के द्वारा, खंडन विखंडन मुकुलन इंग्लिश में कहते हैं, खंडन है मेंटेशन, विखंडन सेगमेंटेशन या विनरी द्विविभाजन या फीजन और फीजन, मुकुलन बडिंग। इस प्रकार से कवकों में कायिक जनन के अंतर्गत खंडन विधि द्वारा जनन होता है, विखंडन विधि द्वारा जनन होता है और मुकुलन विधि द्वारा जनन तथा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है कवकों में। अलैंगिक जनन भी होते हैं। अलैंगिक जनन में बाई स्पोर्स के द्वारा, बीजाणु के द्वारा छोटे छोटे माइक्रो अणु के रूप में पाए जाते हैं जिसे हम बीजाणु कहते हैं, स्पोर्स के द्वारा अलैंगिक जनन होता है जिसे हम एक इसमें बीजाणु में कोनेडिया होता है, कोनेडिया जो ऊपर की तरफ गोल संरचना पाई जाती है उसी में स्पोर्स भरे होते हैं और नए तंतु का निर्माण कर देते हैं जिसे हम बाई स्पोर्स विधि द्वारा लैंगिक जनन कहते हैं, ये लैंगिक जनन। इस प्रकार से आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉजिटिव निगेटिव मेल और फीमेल के कुछ अंश पाए जाते हैं जो पॉजिटिव निगेटिव के रूप में मॉडिफाइड करके और लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो कवकों में इस प्रकार से इनके अंदर जनन पाया जाता है और इन जनन विधियों में जो है द्विगुणित जिसे हम 2N कहते हैं, द्विगुणित 2N विधि द्वारा कोशिका का विभाजन होता रहता है। आज का टॉपिक 1 यहां पर एंड किया जाता है। अगर आपको समझ में आया होगा अच्छी बात, कोई समस्या होगा उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।